परदेश रे जय जय अखिले बोले परदेश रे जय जय अखिले बोला ता देश रे जय जय अखिले बोले परदेश रे जय बोले रे हर मेस बोले। कब जनपद बहराइच के कैसरगंज तहसील मुख्यालय पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और समाजवादी पार्टी के 3 बार रह चुके हैं मेरे जो है आदरणीय राम तेज यादव जी के नेतृत्व में। आज यहाँ पर उन्होंने SDM कैसरगंज महेश कुमार कैथल व पुलिस क्षेत्राधिकारी अरुण चंद को यहाँ पर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और वो हमारे बीच में है। कैमरामैन धीरे धीरे मेरे साथ नज़दीक आते रहे और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए इस कार्यक्रम को यहाँ पर इन्होंने किया है। तो बाबू जी आज जो आपने ज्ञापन सौंपा है किन समस्याओं को लेकर के सौंपा है? एक समस्या तो ये है जी कि मांझा क्षेत्र में घाघरा नदी ने जी और दूसरी नदियों ने बरसात और बाढ़ की वजह से पूरा क्षेत्र करीब 2 लाख आदमी तबाह हो गया है जी। उनके घर कट गए जी, उनकी फसल कट गई जी, ना तो किसी मुआवजा अभी तक मिला, ना बसने के लिए जगह मिली जी। और लोग अब तो बीमारी कोरोना से तो मर ही रहे थे जी। ये भुखमरी वाली बीमारी बहुत बड़ी हो गई। हम अपने नेता लक्ष्मी जी से, प्रधान जी से और कुलदीप से और दूसरे लोगों से पाड़े जी सबसे ये कहते हैं, हमने कहा निर्देश, अखिलेश भैया का भी यही निर्देश है कि कोई आदमी भूख से मरने न पाओ जी, बीमार हो उसको लाइए अस्पताल में और पैसा कौड़ी अगर व्यवस्था नहीं है तो वो हमको बताइए सीधे लखनऊ में, हम उसका इलाज भी करवाएंगे, किसी को मरने नहीं देंगे। तो बेकारी इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, झूठ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रोज बोलता है अखबार छपाने के लिए कि सबको रोजगार दे दिया गया, किसको रोजगार दे दिया गया, किसी नहीं दिया गया। और फर्जी डॉक्टर ऊपर से हो रहे हैं, मट्टी तेल डीजल यूरिया डाई का दाम बढ़ गया, यूरिया डाई तो ढूंढे नहीं मिलती, किसान तबाह हो रहा है। ये एक चीज़ पूछेगी बाबू जी, कोटे को लेकर के आपने कुछ शिकायत भी किया, उसके लिए क्या दिया? नहीं वो तो वहाँ कह दिया है, वो SDM साहब उसको देख रहे हैं, स्वयं उनके बिल्कुल जानकारी में है, वो उसको अपने स्तर से करेंगे, जो गलत करेगा बचेगा नहीं, इसे SDM की गलत से वो बचेगा नहीं। और दूसरी बात ये है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो आदमी जब अस्पताल में मास्क नहीं है, दवा नहीं है, कितने लोग बहराइच में, कितने हमारे पुलिस वाले कोरोना में हो गए, कितने हमारे रेवेन्यू अधिकारी हो गए, और हम लोग तो इन अधिकारियों को बिल्कुल कोरोना योद्धा मानते हैं। और सब दिन हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि चाहे जिले का अधिकारी हो, चाहे हमारे तहसील का हो, चाहे ब्लॉक का हो, चाहे थाने का हो, और आप सब लोग जनता जनार्दन है, सब कोरोना योद्धा हो, हम आप लोगों का बहुत बहुत नमन। और चलते चलते छोटा सा सवाल, आज आपने शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा है, अगर बातों को नहीं सुना गया, सरकार ने आपकी बातों को नहीं सुना, तो भविष्य में क्या करने की योजना पार्टी द्वारा आपके द्वारा? जी बहुत जल्दी हम अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को फिर से इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके रणनीति बनाएंगे। हम लोग यहाँ से फिर राज्यपाल के यहाँ इस तमाम समस्याओं को लेकर के अखिलेश भैया से निर्देश लेकर के लॉन्ग मार्च करेंगे और जब तक मामला तय नहीं होगा तब तक मैं गवर्नर हाउस छोड़ू करेंगे। यानी लड़ाई लड़ते रहेंगे? लड़ाई तो होगी होगी हाँ। और आप जान लीजिए हमारी समाजवादी पार्टी कहती है हम मारेंगे नहीं, गलत है, मानेंगे भी नहीं, का समझो हाँ। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जनता, जब हमने यहाँ धरना प्रदर्शन अभी पिछले दिनों में लक्ष्मी, हम लोग, कुलदीप और अपने सभी साथी जब किया, उसके बाद सामान बढ़ने लगा, सामान लखनऊ से आता है, वहाँ सड़ा आलू आता है, वो बुरिया पैक रहती है, जब किसान खोले तो वहाँ सड़ा आलू मिले भाई, तो क्या मतलब भाई साहब, ये सामान बढ़ने से क्या मतलब? चावल वो जाते हैं जिनका स्वर्ण खाए, यह मदद कौन आ भाई, ये तो मदद ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। घर बनाओ, घर बसाओ, सरकार थी मुलायम सिंह की, अखिलेश यादव की, बाढ़ आने से पहले टेंट तंबू लग जाते थे, आप जानते हो, उसके अंदर रहते थे और हमारे नेता कार्यकर्ता सब सबकी देखभाल रखते थे, अब जब तो बीमार हो जाए उसका इलाज ही नहीं होगा। धन्यवाद। देखिए अभी आपके बीच में कैसरगंज से पूर्व MLA रह चुके श्री राम तेज यादव जी ने अपनी बातों को रखा और उनके साथ पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी लक्ष्मी नारायण यादव भी अपने कई साथियों के साथ यहाँ पहुँचे और काफ़ी देर तक SDM से उन्होंने विभिन्न समस्याओं के बारे में बात भी किया है। और आप देखते रहिए इसी तरीके से न्यूज न्यू इंडिया का जो विशेष यह आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसे आप लाइक भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए, क्योंकि सोचता है भारत
जीतेगा हिंदुस्तान और हारेगा कोरोना। न्यूज न्यू इंडिया से अशोक मिश्रन्ना, बहराइच वसा हिंदू से सुनील गुप्ता की रिपोर्ट। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कैसरगंज, ये तहसील का मुख्यालय, यहाँ पर देख रहे हैं कैसरगंज से पूर्व MLA 3 बार रह चुके रामतेज यादव और उनके साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण यादव व राकेश राव प्रधान, जोतोरा मनीष सिंह यादव जो युवा नेता है, ये सभी लोग कैसरगंज तहसील मुख्यालय पहुंच चुके हैं। और अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि SDM कैसरगंज महेश कुमार कैथल को यहां पर ये ज्ञापन सौंप रहे हैं और उनके साथ मौजूद हैं पुलिस क्षेत्राधिकारी कैसरगंज अरुण चंद्र त्रिपाठी भी यहां मौके पर मौजूद हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए आप तस्वीरों में देख रहे हैं ज्ञापन सौंपा जा रहा है। सभी रिपोर्ट कैसरगंज बहराइच से देख रहे वरिष्ठ पत्रकार पंडित अशोक मिश्र अन्ना भैया के साथ।